भगवान बिरसा मुंडा के धरती खूंटी जिले में पहली बार हॉकी मैच का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस हॉकी मैच का आयोजन हॉकी इंडिया की तरफ से किया जाना है, जो 19 तारीख से मैच खूंटी के एस्ट्रोटर्फ मैदान में होंगे। 10 करोड़ की लागत से बने ब्लू एस्ट्रोटर्फ में हॉकी मैच का आयोजन होना है, जिसमें कुल 11 टीम भाग ले रहे हैं। इस ग्राउंड में होने वाले मैच के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन मैं पहले इस एस्ट्रोटर्फ के बारे में बता दूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगा टर्फ है वो कंप्लीट ब्लू दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी महंगा एस्ट्रोटर्फ है। बताया जाता है कि झारखंड में पहला ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरह का टर्फ लगाया गया है। ये काफ़ी महंगा टर्फ के रूप में जाना जाता है और इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च आई है। आप ग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हर चीज़ों का सुविधा खिलाड़ियों के लिए मुहैया कराई गई है। यहाँ पे स्टोर रूम से लेकर के खिलाड़ियों के रहने तक का सुविधा इस हॉल में है, जबकि यहाँ पे देखेंगे हाई मास्क लाइट लगाए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़े तो रात में भी यहाँ पे आसानी से खिलाड़ियों का जो मैच होना है वो यहाँ पे मैच होगा और किसी तरह का कोई अंधकार नहीं होगा। इसके बगल में खिलाड़ियों के रहने के लिए जो हरा कलर का बिल्डिंग दिख रहा है वो आवास के रूप में बनाया गया है, ताकि बाहरी राज्यों के जो खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे वहाँ पे ठहर सकेंगे। और चूंकि वहाँ से ग्राउंड की दूरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, चूंकि यहाँ प्रैक्टिस भी कर लेंगे और वहाँ पे रहने की सुविधा है। सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। देखिए, ईस्ट जून की जो हॉकी टूर्नामेंट है वो खूंटी जिले में इस पर इनिशिएट की जा रही है, और चूंकि खूंटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बन चुके हैं, तो इसलिए जो जिला राज्य स्तरीय हॉकी संघ है वो भी यहाँ पे वो लोग आए थे और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे टोटल सभी टीमें 17 टीमें यहाँ पे आने वाली हैं और यहाँ पे एक 7 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। इसी को लेकर के 19 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर ली। कौन सी टीम कहाँ आएगी, हर एक टीम के साथ एक सरकारी अधिकारी एक वॉलंटियर को नियुक्त किया गया। टीम का स्टे कहाँ पर रहेगा, टीम का प्ले का टाइमिंग क्या रहेगा, से लेकर के रिहर्सल के लिए जो SS+2 हाई स्कूल के पास जो हॉकी स्टेडियम है उसको रखा गया है। वहाँ पर लोग किसी भी टाइम पर जो प्लेयर्स आएंगे वो रिहर्सल कर सकेंगे। चूँकि ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में और ये बिरसा मुंडा की धरती भी है, तो हम लोगों ने ये भी रखा है कि वो एक दिन उलिहातू जरूर जाए और विजिट करें। जितना जहाँ तक व्यवस्था की बात है, रहने के लिए व्यवस्था जो है हॉकी स्टेडियम के पास भी रूम्स बने हुए हैं, उसके बाद फुटबॉल स्टेडियम के बाद भी रूम बने हुए हैं, उसके अलावा लाइब्रेरी और जो खूंटी हेल्थ क्लब है उसको लिया गया है। खाने की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जा रही है और जो भी चीज़ें इसके अलावा जरूरत पड़ेगी, जैसे मेडिकल वैन की, पीने के पानी की व्यवस्था की, शौचालय की, साफ सफाई की, सभी डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दे दिया गया है, बिजली विभाग को भी, कि ताकि जो मैसेज है ससमय हो और कोई भी बाहर से आने वाले लोगों का आगंतुक को किसी तरीके का कोई कष्ट झेलना न पड़े। मेरा बहुत दिन से तमन्ना था कि खूंटी में एक राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट हो, जो कि खूंटी में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं हुआ है और इस टूर्नामेंट के होने की सारी तैयारियां हो रही है। इसमें खूंटी ज़िले के प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिरसा कॉलेज, हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के सभी सदस्य काफ़ी तत्पर से काम कर रहे हैं और ये टूर्नामेंट यहाँ के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि खूंटी के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार हो रही है और इस टूर्नामेंट होने से हमारे क्षेत्र के जो युवा और युवती हॉकी से कुछ निराश हो रहे हैं, वे फिर दोबारा इस खेल को पकड़ेंगे और उनका इससे लाइफ बनेगा। ऐसे तो खूंटी बहुत पहले से 1928 से ही हॉकी के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि यहाँ से जयपाल सिंह 1928 में गोल्ड मेडल लेके भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे। और दूसरी बात कि बहुत से ओलंपियन भी हैं, लेकिन और एक गर्व की बात है कि निक्की प्रधान खूंटी ज़िले की ही है, जो मेरी ही स्टूडेंट थी और वो झारखंड स्टेट का पहली ओलंपियन होने का गौरव प्राप्त की है और डबल ओलंपिक खेली है और मुझे उम्मीद है कि वो तीसरा ओलंपिक भी खेलेगी। यहाँ पे 7 दिवसीय जो मैच होने हैं, इस मैच को लेकर के डीसी ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी आएंगे, जितने भी टीम रहेंगे, टीम के साथ जो प्रशिक्षक प्रशिक्षित
या फिर जो शिक्षक हैं उनके साथ रहने वाले सभी को मजिस्ट्रेट के साथ साथ जवान मुहैया कराई जाएगी। खाने पीने की वो हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो खिलाड़ियों को किसी तरह का परेशानी ना हो। उनके रहने के लिए भी अतिरिक्त जिला प्रशासन ने व्यवस्था किया है। जिले के सरकारी भवनों के साथ साथ जिले में जितने भी प्राइवेट हॉस्टल हैं या फिर होटल हैं उन्हें रेंट पे ले ली गई है ताकि किसी तरह का यहाँ पहुँचे खिलाड़ियों को परेशानी नहीं होगी। सोनू अंसारी, ईटीवी भारत, खूंटी।